वेलकम टू तिवारी कोचिंग क्लासेस इंग्लिश ग्रामर बाय नीरज तिवारी। हाय गाइस, दिस इज नीरज तिवारी फ्रॉम तिवारी कोचिंग क्लासेस। तिवारी कोचिंग क्लासेस इंग्लिश ग्रामर यूट्यूब में आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट का क्वेश्चंस बताऊंगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस रिलेटेड कुछ सेंटेंस को दिखाऊंगा, एग्जांपल बताऊंगा, रूल्स बताऊंगा कैसे प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस के सेंटेंस होते हैं और उनके रूल्स क्या होते हैं, उनको ट्रांसलेट करने के लिए ये सारी बातें आज हमारे आपके बीच में चर्चा की जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का मतलब क्या होता है? पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के जो सेंटेंस होते हैं वो एक निश्चित समय से एक समय से शुरू हो गए होते हैं लेकिन वो सेंटेंस के अंत तक समाप्त नहीं हुए होते, इसीलिए पूर्ण अपूर्ण। जहां शुरू होते हैं पूर्ण रूप से लेकिन वो समाप्त नहीं होते, सेंटेंस के अंत तक वो समाप्त नहीं होते, इसलिए उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। डिटेक्शन कैसे पहचानेंगे? बिल्कुल कंटीन्यूअस जैसा है, रहा है, क्रिया में रहा है, रही है, रहे हैं, बिल्कुल जैसे कंटीन्यूअस का रूल्स आपको बताया गया था, डिटेक्शन बताया गया था, रहा रही रहे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का जो डिटेक्शन है, जो पहचान है, वो भी बिल्कुल वैसा ही है। इसकी भी क्रिया में, मुख्य क्रिया में रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन साथ में समय लिया गया होगा और समय के साथ से जुड़ा होगा, समय के साथ से जुड़ा होगा, समय के साथ से नहीं है तब वो परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस नहीं हो सकता, परफेक्ट कंटीन्यूअस के टेंस का सेंटेंस नहीं हो सकता। अनुवाद कैसे करेंगे? रूल्स आपको दिखाया गया, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का हो तो हैज बीन, सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का हो तो हैव बीन, और दोनों के साथ हम क्रिया का फोर्थ फॉर्म, कहने का मतलब ही वन प्लस आई एन जी, क्रिया के मूल रूप में आई एन जी जोड़ते हैं तो उसी फॉर्म को हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहते हैं। क्रिया का चौथा फॉर्म टाइम के लिए मैंने दिखाया आपको, टाइम के लिए सिंस और फॉर दोनों का प्रयोग करते हैं। कहां कहां करते हैं? सिंस का प्रयोग फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए, जहां पर समय निश्चित हो, सुबह शाम दिन का नाम, बजे वर्ष का नाम, महीने का नाम, यदि इस तरह से समय दिया गया हो तो वहां वो निश्चित समय होता है और उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और यदि आपका टाइम जो है कैसा हो, अनिश्चित हो, पीरियड ऑफ टाइम हो, घंटा हो, दिन हो, इस तरह से आया हुआ हो, उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। कब? टाइम के लिए। इनके बाद टाइम जो लिखते हैं, टाइम के लिए जो इस बनाते हैं, हमें सिंस और फॉर का प्रयोग करना चाहिए। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने दिखाया आपको, कैसे सब्जेक्ट है, हैज है, उसके बाद बीन, हैज है, बीन या has been या have been, बताया गया सब्जेक्ट सिंगुलर है तो has been और सब्जेक्ट प्लूरल है तो have been। फिर क्रिया का फोर्थ फॉर्म, फिर सिंस या फॉर में से कोई एक, दोनों में ये देखिए सिंस या फॉर में से कोई एक, उसके बाद जो टाइम दिया गया है उसको आप लिख दीजिए। एग्जांपल्स मैंने देखिए, वह सुबह से खेत में काम कर रहा है, वह थी सिंगुलर नंबर का, इसलिए has been, काम कर रहा वर, उसी में आएंगे वर्किंग, कहां? इन दी फील्ड, खेत में, और कब से? सुबह से, निश्चित है सुबह, इसलिए सुबह के पहले मैंने, मॉर्निंग के पहले मैंने क्या लगाया? सिंस का प्रयोग किया, सिंस मॉर्निंग। देखिए कुछ सेंटेंस, देखिए माली 2 घंटे से माला नहीं बना रहा है, माली गार्डनर हैज नॉट बीन रीडिंग, हैज नॉट बीन रीडिंग गार्लैंड फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, यहां पर 2 घंटा अनिश्चित है, इसलिए मैंने यहां किसका प्रयोग किया? फॉर का प्रयोग किया, यहां मैंने किसका प्रयोग किया? फॉर का प्रयोग किया। और इंट्रागेटिव देखिए, इंट्रागेटिव फर्स्ट में हैज है, क्या के लिए, क्या से पहले आके उसके हैज या है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो हैज लगाइएगा, सब्जेक्ट प्लूरल तो हैव लगाइएगा, और
फिर बीइंग, फिर वी फोर, फिर सिंस या फार मिसिंग हो ये, उसके बाद टाइम लगाएंगे साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क कब लगाएंगे, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जब तक साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क कब नहीं लगाएंगे तब तक सेंटेंस इनकरेक्ट होता है, इसका आपको पता ही है। तो है क्या, हैज ही बीन रीडिंग सिंस लास्ट इवनिंग, हैज ही बीन रीडिंग सिंस लास्ट इवनिंग, क्या वह कल शाम से पढ़ा रहा है, has he been reading since last evening, कल शाम जो है क्या है निश्चित है, इसलिए क्या हुआ ये यहाँ क्या लगाया गया since का प्रयोग किया गया, इसलिए यहाँ since का प्रयोग किया। इंटरोगेटिव सेकंड देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का इंटरोगेटिव सेकंड कैसे इसको प्रोजेक्ट करेंगे, दूसरे प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य आप जानते हैं, जब प्रश्न सूचक शब्द कर्ता के बाद वाक्य के बीच में आए तो वह दूसरे प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य होता है, जैसे उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, पहले जो प्रश्न सूचक शब्द होते हैं डब्ल्यूएच वाले जो वर्ड्स होते हैं उसको पहले लिखेंगे एज एज हैव अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ योर सब्जेक्ट एंड देन बीइंग, आफ्टर बीइंग वी शुड राइट बिफोर मींस और ये पीरियड ऑफ टाइम है तो फार लगेगा, उसके बाद टाइम को आप लिख दीजिएगा, फिर साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे वह क्यों कई दिनों से झूठ बोल रहा है, यहाँ आपने देखा कैसे पहले कौन सा शब्द उठाएंगे, पहले क्यों, ये प्रश्न सूचक शब्द है, पहले क्यों, क्यों वाई, वाई हैज ही हैज क्यों लगाया, क्योंकि वह सिंगुलर नंबर, वाई हैज ही बीन झूठ बोला, टेल लाई तो टेलिंग टेलिंग ए लाई, हम कई दिनों से अनिश्चित है, कोई निश्चित तो है नहीं कि जनवरी से फरवरी से पिछले दो हफ्ते, ऐसा कोई तो है नहीं, कई दिनों से क्या हो जाएगा फॉर मेनी डेज, फॉर टेलिंग ए लाई फॉर मेनी डेज, तो इस तरह से हम इसको आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमने टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का टॉपिक आज आपको बताया और आई होप आपको अच्छे से आ गया होगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट से लेकर के पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट टेंस के जितने भी सब कैटेगरीज हैं उसको मैं एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, आप आसानी से उसको पढ़ सकते हैं और जितना वीडियो भी तक आपको दिखाया गया है, आपको बताया गया है, वो आप पढ़िएगा, कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आपको जो समझ में आया कि नहीं आया। थैंक यू।